तुम लोगों को एक सीक्रेट बताऊँ, सीक्रेट टॉप सीक्रेट है, किसी से शेयर मत करना। सेवन वंडर देखना है इंडिया में, दिल्ली में, दिल्ली में देखना है। चलो मैं दिखा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो, कुछ दिखा नहीं ठीक से। जैसा कि आप लोगों ने शॉर्ट क्लिप में देख ही लिया होगा कि आज मैं घर में ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, आज मैं कहीं आया हूँ बाहर, और कहाँ आया हूँ वो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो इसमें वीडियो में बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बिना नहीं जाइएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फिलहाल तो मैं अभी पार्क में एंट्री कर चुका हूँ। सबसे पहला जो हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो पार्क में भी एंट्री ही किया था, वहाँ से एंट्री थी, और मेरे पीछे सबसे पहले मुझे देखने को क्या मिला है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। और मैंने इसको देखा और मुझे फर्स्ट लुक में ऐसा लगा ना कि यार क्या मतलब क्या ही जीवन आ गया। और देखना आप लोग गौर से देखो, अगर इसको देखोगे ना, ये लोहे के छड़ हैं, ये सारी लोहे की छड़ें हैं जो ऐसे लगा जोड़ जोड़ के इसको ऐसे बना दिया गया है। और काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी ग्रीनरी पार्क है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पर कि अगला क्या देखने को मिलेगा हम लोग को इस पार्क में। इसको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं भाई, इसको तो लिटरली फर्स्ट लुक में मेरे मुंह से वाव निकलने वाला है इसको देखने के बाद। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। डेस्टिनेशन से मुझे यहाँ मिला है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पीसा का झुका हुआ मीनार। और मैं मतलब ये तो आप लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो मैं इतना आपको पकाऊंगा नहीं इसको बता करके, पर मैं यहाँ की डिटेलिंग दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ इसमें लगाई गई है जो इसमें बताई भी गई है। चलिए मैं देख कर आऊँगा। ये जो कर्व दिख रहा है ना, ये टायर्स के जो रिम होती है वो कटिंग कर गए हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो ये वाला पार्ट दिख रहा है गोल वाला, ये क्लच प्लेट है एक्चुअली में। जिन्होंने देखा होगा, जिनके पास कार होगी उनको ये चीज़ समझ में आएगी कैसे कैसे। और ये जो नीचे छोटी छोटी सी ये देख रहे हैं आप लोग, धारी 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 धारी, ये गेयर बॉक्स के अंदर की चीज़ें। और ये लोहे के पाइप हैं सारे, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार देख के इसको। चलिए चलते हैं आगे, इसको यहाँ पे करते हैं बाय बाय, बाद में मिलेंगे निकलते समय। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। मतलब आना चाहिए यार इस पार्क में भी कि सब कुछ देखिए। ओरिजिनल में तो आप नहीं देख सकते, बट इसकी भी कॉपी बनाई गई है, और किस तरीके से बनाई गई है वो भी बहुत यूनिक है। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो मेरा है, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको पेरिस का। देखो मैं पेरिस आ चुका हूँ गाइस, और ये देखो मेरे पीछे क्या है, आईफिल टावर जो पेरिस का बहुत ही फेमस है। तो ये भी काफ़ी यूनिक तरीके से बनाया हुआ है, तो मैं इसकी डिटेलिंग दिखाता हूँ पहले आप लोगों को कि कैसे डिटेलिंग। अच्छी बात क्या है ना इस वाले में कि इस वाले को आप टच कर सकते हैं, बाकी सब में बाउंड्री लगी हुई है, ग्रिलिंग लगी हुई है, बैरिकेडिंग। तो इसमें क्या है, आप इसको मैं इसको आपको डिटेलिंग्स दिखा सकता हूँ। ये आप लोगों ने बहुत बार पुल पे देखे होंगे, पुल पे लगे रहते हैं ये सब ऐसे नोट बोल्ट। तो ये जो वेस्टेज पुल था उसका निकाल के लगाया गया है, बिल्ड किया हुआ। और ये घरों में आपने जैसे ग्रिलिंग देखी होंगी अपने बालकनी में, वो उसका बनाया हुआ है देखिए। और जो ऊपर भी आप देख रहे हैं वो सब ट्रक का पार्ट है जो भी ऊपर लगा हुआ है, स्प्रिंग रिंग जो भी है, ये पूरा ऐसे ही वेस्टेज से बनाया हुआ है। यहाँ आके देखने में तो और ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
सीरियसली काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है। और पता है कि यहाँ का नाइट व्यू काफ़ी ज़्यादा फेमस है बिकॉज सारी लाइटिंग की गई है इसमें, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर हो सकेगा तो वो भी देख लेंगे। आगे इसको आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चलिए आगे चल के देखते हैं आगे क्या मिलता है, मज़ा आ रहा है गाइस। थोड़ी सी दिन में तो बारिश हुई थी बट अभी बारिश नहीं है, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई है पर कोई नहीं, चलता है। इतना इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है कि वो इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है हम लोगों को। जो दिल्ली में रहते हैं वो यहाँ ज़रूर आए, एक बार देखें कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है। दूसरी चीज़, जो दिल्ली में आने वाले हैं वो तो ज़रूर देखें, निज़ामुद्दीन से रेलवे स्टेशन के पास ही पड़ता है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। गाइस आईफिल टावर के बाद अब मैं कहाँ पर आया हूँ, चलिए दिखाता हूँ, रिवील करते हैं। पर तो आप लोग का है ही कि सेवन वंडर्स कौन से हैं, पर ये यहाँ देखने का एक अलग नज़ारा है। ये है मेरे पीछे कोलोसियम, कितना सुंदर लग रहा है यार। तो इसकी हिस्ट्री बता के तो मैं आप लोग को बोर नहीं करने वाला हूँ, इतना कुछ खास मुझे पता भी नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। बाकी इसमें भी देखिए ये जो कर्व हैं वो सब रिम से ही बने हुए, साफ दिख रहा है। मैंने तो स्कूल में सब पढ़ा है, बाकी मेरा इंटरेस्ट भी गाड़ियों में ज़्यादा रहा है, तो इसमें मुझे पता चल जा रहा है। जो यहाँ पे आएगा उसको भी पता चल ही जाएगा कि हाँ ये कैसे कैसे क्या है। चलिए आगे चलते हैं देखते हैं। ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है, सिर्फ 7 जगह हैं घूमने के लिए, और ऐसा भी नहीं कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत पास पास में बनाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर कि एक जगह से दूसरी जगह में, वरना कोई और पार्क होते हैं उसमें घूमने में ही थक जाते हैं, और ये इतने पास पास में है तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी पार्क भी कवर हो जाएगा। तो उसको करते हैं बाय बाय और चलते हैं आगे। यहाँ पर मुझे सीटिंग के लिए भी मिला है, काफ़ी अच्छा है, स्टेयर्स भी बनाई हुई है तो इसमें मैं बैठ सकता हूँ। तो अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ, मतलब नेक्स्ट स्टेशन क्या है। ये सब लोग जानते होंगे, मतलब सभी लोग, जिसको ये भी नहीं पता है कि सेवन वंडर्स नाम की कोई चीज़ भी है, मतलब बहुत से रेस क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत रेयर लोग ही होंगे जिनको ये नहीं पता होगा, बट जिनको नहीं भी पता है वो भी इसको जानते होंगे। बस ये तो हमारे पास है, क्या है, ताजमहल। तो इसके लिए तो हम लोग वैसे ही प्राउड फील करते हैं बिकॉज ये तो हम ही लोग के पास है, इंडिया से ही है। काफ़ी सुंदर बनाया था, देखना ऊपर की जो जालियाँ बनाई है ना काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। है कि शाहजहाँ ने जब ताजमहल बनवाया था तो सबके हाथ कटवा दिए गए थे, पर यहाँ जो ताजमहल जैसे बनाया ना भाई, उसके तो हाथ चूमने लायक है, बिकॉज वेस्ट मटेरियल से इतना खूबसूरत ताजमहल, वाह। अब तो हम भी कह सकते हैं यार दिल्ली वालों कि हमारे पास भी ताजमहल है, आगरा में तो है ही है पर दिल्ली वाले तुम्हारे पास भी, दिल्ली वाले तुम्हारे पास तो आईफिल टावर भी है, मतलब मीनार भी है, सब कुछ है भाई तुम लोग के पास, तो तुम लोग अलग हो यार। चलो चलते हैं आगे, इसको करते हैं यहाँ पर टाटा रचित है। और ये जो ग्रास जैसा दिख रहा है ये आर्टिफिशियल ग्रास है, ये स्विंग हो गया इसलिए पता चल रहा है, अदरवाइज ये पता नहीं चलेगा। इतने सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है, इतना वही लुक दिया गया है पूरा एकदम वाटरफॉल का, जो आपको मेन आगरा में मिलता है ताजमहल वैसा वाला। ज़्यादा क्राउड नहीं है तो सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे यही लगी है कि क्राउड ही नहीं है, ज़्यादा लोग को पता ही नहीं, जैसा कि ताजमहल के बाद क्या आया है ये देखो, रियो रिड्यूमर। गर्मी बहुत होने लगी वैसे, इससे मुझे सबसे ज़्यादा खासियत क्या लगा ना, ये देखो इसके हाथ, ये देखो। अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि कैसे वेस्टेज से बना हुआ है, ये पूरे नट बोल्ट हैं, क्लच प्लेट है,
ये देखो, ओ शिट, ब्लैक हो रहा है गाइस। वाह, तो ये भी हो गया। अच्छा, चलते बाद आता है न्यूयॉर्क का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और ये देखिए ठीक मेरे सामने हो गया। थोड़ा धूप के कारण अच्छा नहीं है, बिकॉज इसका सूरज इसके पीछे ही है, तो व्यू इतना अच्छा नहीं आ पा रहा है सामने से। लाइव देखने में तो एक अलग ही नज़ारा है। लोगों को नहीं पता होगा इतना, बट कहानी ये थी ना कि फ्रांस और अमेरिका के बीच में बहुत सी जो अनबन चल रही थी, इसको उसी का ही शांति का प्रतीक कहा जाता है। बिकॉज ये मूर्ति दोनों देश ने मिल के बनाई थी। जो मूर्ति है ऊपर की, मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो वो बनाया है फ्रांस ने, और जिसका चबूतरा एक्चुअली में जो बनवाया गया था, मतलब जो एक्चुअली है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बनवाई है। तो ये जो चबूतरा है, ये जो बनवाया था वो बनवाया था अमेरिका ने, और फ्रांस ने ये मूर्ति और ये पूरा बना करके ये दिया था अमेरिका को एज ए गिफ्ट, एज ए फ्रेंड, जो उन लोग फ्रेंडशिप हुई थी उन दोनों के बीच में उसके रूप में। तो ये छोटी सी नॉलेज थी, मैंने आपके शेयर कर दी। मैं बोर नहीं करना चाह रहा था, तो ये छोटी सी नॉलेज थी, इसने मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी ये लास्ट था यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पार्क है और बहुत ही नॉलेजबल भी है, बिकॉज यहाँ पर मैं दिखाता हूँ हर एक स्टैचू के साथ उसके बारे में डिटेल भी लिखी हुई है। तो आप अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं यहाँ पे, मतलब बुक्स वुक्स में पढ़े होंगे, अच्छी बात है, बट यहाँ पे आने के बाद लाइव देखने के बाद है ना कि लर्न करने से अच्छा है कि प्रैक्टिकली देखो, तो प्रैक्टिकली देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेलिंग लिखा हुआ है, प्लस ये वाला यहाँ पे जो है हम लोग की दिल्ली में ये कैसे कैसे बना है वो सब कुछ लिखा हुआ है। इस काफ़ी सुंदर पार्क है ये, यहाँ आना चाहिए, सबको आना चाहिए, इवन जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको तो आना ही चाहिए, बिकॉज ज़्यादा दूर नहीं है, मेट्रो का रास्ता है, मेट्रो से आइए, चाहे अपनी गाड़ी है तो गाड़ी से भी आ सकते हैं, पर मैं भी प्रेफर करूँगा कि मेट्रो से ही आइए, बिकॉज अभी यहाँ पे ना जो इसकी पार्किंग है वो बहुत छोटी पार्किंग है जो मैंने देखा, तो अच्छा है कि मेट्रो से आइए, मतलब पास में है, मेट्रो से निकलिए और वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 से 3 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। सात अजूबों के साथ साथ इस पार्क को डेकोरेट करने के लिए बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बहुत तरह के पेड़ हैं, फूल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, और उसी के साथ एक ये पुल भी बनाया गया है, काफ़ी छोटा सा पुल, अच्छा सा पुल लग रहा है। और ये पीछे मेरे एक फाउंटेन देखने को मिल रहा है आपको, ये फाउंटेन भी बन रहा है, हो सकता है पानी की आवाज़ आप लोग आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, बाकी ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ब्लॉगिंग करना इतना आसान भी नहीं होता गाइस, कि कैमरा उठाए और चल दिए, बहुत रिस्क भी लेना पड़ता है। पार्क में भी ये कुछ फूड एंड बेवरेजेस के स्टॉल्स हैं, तो आप यहाँ घूमिए और यहाँ से एग्जिट कीजिए, और जो भी खाना पीना है खाई पी और जा सकते हैं।
जैसे जैसे शाम हो रही है, अंधेरा बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रही है, बिकॉज इसका नाइट व्यू बहुत फेमस है कंपेरिजन टू मॉर्निंग व्यू। तो धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, मैं मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि जल्दी से नाइट हो और मैं इसका नाइट व्यू रिकॉर्ड करूँ। बस बहुत सुना है इसके नाइट व्यू के बारे में। बस चलते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं, अपने घर पर निकलते हैं और आप भी अपना दिन एंजॉय कीजिए। हैव अ नाइस डे।